नमस्कार, एक बार फिर मैं आपके समक्ष आया हूं शरीर मंदिर है के अगले एपिसोड को लेकर, एक और अंग को लेकर। पिछली बार मैंने आप लोगों को अपने दिमाग, अपने ब्रेन, अपनी हेड ऑफिस के बारे में बताया था, जो जिसके बारे में कहा जाता है मैन इज व्हाट हिज ब्रेन इज, मनुष्य वही है जो उसका दिमाग है। ये हमारा हेड ऑफिस है। अब आइए मैं आपको एक और अंग की तरफ ले चलता हूं। पिछली बार भी मैंने आपको कहा था वो अंग भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारा ब्रेन है, क्योंकि ब्रेन को असली ताकत देने वाला यही हमारा अंग है, जिसको हम दिल कहते हैं, जिसको हम हार्ट कहते हैं, जो हमारे पूरे शरीर में हर चीज पहुंचाता है, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो एंटीबायोटिक्स को आप लेते हो वो हो, चाहे आप न्यूट्रिशंस लेते हो, खाना खाते हो, जूस पीते हो, नॉन वेजिटेरियन, साउथ वेजिटेरियन खाना, वो जब पच जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, तो हार्ट उसको पूरे शरीर में फैला देता है। तो आइए बात करते हैं अपने इस एपिसोड में हार्ट के बारे में। चलिए मैं आपको अपनी किताब के कुछ एक्सर्प्ट्स पढ़ के सुना देता हूं। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल यानी हार्ट सिर्फ 340 ग्राम वजन का है, लंबाई 15 सेंटीमीटर की है और सबसे ज्यादा चौड़ाई उसकी 10 सेंटीमीटर है सिर्फ। कैन यू इमेजिन, समझ लो आपकी मुट्ठी की साइज का, समझ लीजिए कि आपकी मुट्ठी जो होती है, मोस्टली जो आपके हाथ की मुट्ठी, हथेली, इसकी इतनी साइज का हमारा हार्ट होता है। इसे हम अपने शरीर का पंपिंग सिस्टम कह सकते हैं और पंपिंग सिस्टम इतना मजबूत है कि ये हमारे शरीर के पूरे रक्त की मात्रा, जो करीबन 5 लीटर होती है, हमारे शरीर के पूरे रक्त की मात्रा, ये भी आप जान लीजिए करीबन 5 लीटर जितनी होती है, उसे 1 मिनट में रक्त वाहिनियों, जिसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं, उसके माध्यम से पूरे शरीर का एक चक्कर लगवा देता है। 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में ये हमारा पंपिंग स्टेशन उसे पूरे शरीर का चक्कर लगवा देता है, एक एक पार्ट। व्हेन यू से पूरे शरीर मींस पूरा शरीर, पूरा शरीर मींस सारे सेल्स, जो 100 ट्रिलियन सेल्स जो मैंने आपको बताया है, हर सेल को ब्लड चाहिए, क्योंकि ब्लड में ही छुपा हुआ है उनके उनके बढ़ने का मार्ग, उनका खाना, उनका न्यूट्रिशन। क्या आप जानते हैं कि हमारे दिल यानी हार्ट के रक्त यानी ब्लड पूरे शरीर के कोने कोने में पहुंचा देने के लिए शरीर में रक्त वाहिनियों का जाल फैला हुआ है, पूरे शरीर में इसको फैलाने के लिए, यू नो दे फुल बॉडी में एक पूरा एक रक्त वेसल्स का जाल फैला हुआ है, जिनसे होकर रक्त अपने अपने में मौजूद ऑक्सीजन और पौष्टिक तत्वों को शरीर के पोर पोर तक पहुंचाने का काम करता है। दिल रक्त पंप करता है और रक्त इन नलियों में यात्रा करता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ये हमारे शरीर के एक एक सेल्स तक ये जो है ये रक्त पहुंचाता है, जिसके माध्यम से वो ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, पौष्टिक पदार्थ भी पहुंचाता है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि रक्त पहुंचाने वाली इन नलियों को, अब देखिए मैंने आपको ये बताया कि ये है हमारा हार्ट, ये है हमारा पंपिंग स्टेशन। कंपेयर करें पूरे शहर में एक बहुत बड़ा वाटर का एक पंपिंग स्टेशन होता है, जहां से पाइप्स निकलते हैं जो पूरे शहर में जाते हैं, जैसे डैम होता है जहां से सब बड़ी बड़ी पाइप निकलती है और पूरे शहर पे पानी, वैसे ही ये रक्त, ये पंपिंग स्टेशन है और ये ट्रेवलिंग करने वाली ये सारी रक्त की नलियां हैं जिनका जाल फैला हुआ है। और ये कहना चाहते हैं कि कैन यू इमेजिन कि अगर उन सभी नलियों को एक साथ जोड़ दिया जाए, ये यहां से ऐसे गई, उसको जोड़ दिया, ऐसे गई और उसको जोड़ते जाओ, तो ये कह रहे हैं कि अगर इनको, नलियों को अगर पूरी तरह से खोल कर जमीन पर बिछा दिया जाए तो कितनी लंबी हो जाएगी, कोई बता सकता है? क्वेश्चन फॉर यू, आपको पता ही नहीं, नलियां आपने कभी देखी भी नहीं होंगी, लेकिन आपको पता है कि रक्त, बहुत लोगों को पता है, तो बहुत कॉमन नॉलेज है कि रक्त जो है वो रक्त की नलियों से हमारे शरीर के पोर पोर तक पहुंचता है, यानी कि एक, जैसे आप कहते हैं कि वाटर की पाइप्स होती हैं, शहर की सारी पाइप्स को अगर निकाल निकाल के एकदम जोड़ दिया जाए और बिछा दिया जाए जमीन पर, तो वो भी आपको लंबाई मिलेगी, पर यहां आप सुनेंगे तो चक्कर खा जाएंगे आप।
ये कहता है कि अगर आप इन सारी डलियों को खोलकर जोड़कर मिला दे और जमीन पर ऐसे उसको लंबा फैलाते जाएं तो कितनी बड़ी है, कोई बता सकता है मुझे? मुझे सुनने में आ रहा है, मुझे आंसर मिल रहा है आप लोग की तरफ से। कोई कहता है 10 मील हो जाएगा, कोई कहता है 20 मील हो जाएगा, कोई कह रहा है 50 मील हो सकता है शायद। नहीं लगा पाओगे सही अनुमान, मैं ही बता देता हूं। 1.5 लाख किलोमीटर यानी के 63,206 miles, जिससे हम आप पृथ्वी के 4 चक्कर लगा सकते हैं। यानी कि डलियों को अगर आपने बिछा दिया जाए और एक आदमी पकड़ के चले, चल मैं लेके जाता हूँ इसको और मैं देखता हूँ कहाँ तक जाती है, तो साहब उसको पृथ्वी के 4 चक्कर लगाने पड़ेंगे। इतनी रक्त की वाहिनियों का जाल हमारे इस छोटे से 4 फीट 5 फीट 6 फीट शरीर में फैला रहता है और आप लोग उसकी कदर नहीं करते। ये किताब लिखने के पीछे मेरा सिर्फ यही मकसद है कि स्टार्ट नोइंग योर बॉडी, यू विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योर बॉडी। The day you start respecting your body will never get worse. बीमारी आपकी तरफ नहीं आएगी अगर आप अपने शरीर को जानोगे, क्योंकि तब आप अपने को अपना केयर करोगे जैसे बच्चा एक खिलौने को केयर करता है। तो उफ, इतनी लंबी, जरा सोचो तो सही, हमारे इस छोटे से शरीर में उस ऊपर वाले ने इतनी सारी नलियां कैसे फिट की होगी? You see, you must understand, जब हम एक बिल्डिंग बनाते हैं, बिल्डिंग में पहला माला, दूसरा माला, तीसरा माला, ईंट डालते हैं, सीमेंट डालते हैं, गारा डालते हैं, हमारी तरफ से तो बहुत कुछ मेहनत करनी पड़ती है ना। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है और ठेकेदार उसको बनाता है, तो आप सोचिए कि ऊपर वाले ने, और वो एक बॉडी नहीं है। हमारे हिंदुस्तान अमेरिका में ही 130 करोड़ हो गए, 6 अबज पूरे अगर गिना जाए, अब 7 भी हो गया शायद। इन सबको बनाया तो होगा किसी न किसी ने, और उन सबके अंदर रक्त की नलियां तो डाली होगी, तो आप सोचे कि ऊपर वाले ने कैसे किया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि आप जानते हैं कि हमारा दिल दिन रात इन 1.5 लाख किलोमीटर जितनी लंबी रक्त नलियों को के जाल में पूरे शरीर में रक्त को घुमाता रहता है। ये दिन भर में जितना रक्त पंप करता है वो एक 15,000 लीटर कार टैंक को, वो एक 15,000 लीटर कार टैंक को भरने के बराबर है। वो इतना रक्त घुमाता है कि एक 15,000 लीटर का अगर कोई कार का टैंक होगा तो उतना रक्त वो घुमाता है पूरे शरीर में, वो दिन भर में घुमाता है। क्या आप जानते हैं कि दिल जो कि सिर्फ एक मुट्ठी की साइज का पंप है, इतना सारा रक्त ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरे शरीर में कैसे पहुंचा सकता है? क्या है इसकी शक्ति का राज? आप जानते हैं, क्योंकि इट इज नॉट दैट जस्ट कि बटन दबाया और वो पानी, इवन हमको पंपिंग स्टेशन से भी लाने के लिए पंपिंग एक मशीन लगानी पड़ती है, आपको जो स्टार्ट करते हैं तो डर पानी फिर ऊपर भी जाता है और जाता है। तो इसके पीछे क्या राज है, कौन सी शक्ति है जो इसको घुमाती है, क्या है इसकी शक्ति का राज? तो वो है उसकी खास तरीके की मांसपेशियां यानी मसल्स। वो उसके जो हर अंग का अपना एक मसल्स होता है, स्टमक का अपना मसल होता है, लिवर का अपना मसल होता है, उसी तरह हार्ट का अपना मसल होता है। और ये जो मसल्स होते हैं ये खास तरह के होते हैं, सिर्फ हमारे हार्ट में रहते हैं, जो शरीर में और कहीं नहीं पाई जाती। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम मायोकार्डियम कहते हैं। इसी की वजह से दिल की मांसपेशियां शरीर की और सभी मांसपेशियों से ज़्यादा मजबूत मानी जाती है। ये जो मसल्स का अपना एक प्रकार है इसका, जो हार्ट में रहता है, उसकी वजह से हार्ट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे शरीर में वो रहता है, उसका उसकी शक्ति रहती है, क्योंकि उसे बहुत कुछ करना है, उसे ब्लड भेजना है। आगे बढ़ते हैं, क्या आप जानते हैं कि दिल निरंतर फैलता और सिकुड़ता रहता है? ये जो मैं आपको अभी बता दूं ऊपर से ही कि कैसे पंपिंग स्टेशन में तो पंप होता है, वो अंदर से मशीन होती है, वो प्रेशर करती है तो पानी बाहर जाता है, पर यहां पर उसको सिर्फ बाहर नहीं भेजना है। ये सिर्फ शहर के पंपिंग स्टेशन की तरह नहीं है कि पानी भर लिया एक बार
या हम अपने घरों में भी ऊपर टैंक लगाते हैं, नल खोलते हैं तो पानी आता है, लेकिन किसी भी जगह में आपने ऐसे कोई चीज़ नहीं देखा होगा कि नल दबाओ या बटन दबाओ तो पानी ऊपर चला जाए, वापस नहीं जाता। लेकिन ये हार्ट सबसे अलग है, ये सिर्फ भेजने का काम नहीं करता, ये भेजता है फिर बता मुझे वापस चाहिए, तो एक बार जाता है पूरे शरीर का राउंड मार के वापस लौटता है। ये कैसे होता? इसके लिए हमारे दिल के जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं, सिकुड़ते हैं फैलते हैं। जब वो सिकुड़ते हैं ब्लड जाता है, जब वो वापस खुलता है ब्लड को खींचता है। दिस इज द प्रक्रिया ऑफ द हार्ट विच गोज ऑन फ्रॉम योर बर्थ टिल योर डेथ। आगे बढ़ते हैं, फिर से पढ़ता हूं। क्या आप जानते हैं कि दिल निरंतर फैलता और सिकुड़ता रहता है और इसी के द्वारा या तो वो रक्त अपने अंदर लेता है या बाहर शरीर के अंदर फेंकता है। इसे हम फैलने सिकुड़ने को दिल की धड़कन कहते हैं। आपने कविताओं में भी लिखा होगा दिल की धड़कन, जो अच्छी लगती है सुनने में कि दिल जब धड़कता है तो बहुत अच्छा लगता है। उसके ऊपर बड़ी कविताएं भी लिखी गई है हार्ट के, दिल के धड़कने की, किसी के लिए धड़कता है किसी के लिए। तो ये इसको एक एक मोमेंट को दिल की धड़कन कहते हैं। एक फैलना फिर सिकुड़ना मिलकर एक धड़कन बनती है, एक बार फैलना और फिर सिकुड़ना, इसको हम लोग वन धड़कन कहेंगे, जिसको इंग्लिश में हार्ट बीट कहते हैं। इसको हम एक धड़कन कहेंगे। जब हम आराम कर रहे होते हैं तो दिल करीबन, अब ये मस्ट रिमेम्बर दिस, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो दिल दिल करीबन 70 बार धड़कता है, यानी एक मिनट में 70 बार धड़कता है। पर अगर वो काम करना शुरू कर देता है, जैसे उसको भागना है, चलना है, काम करना है, बहुत कुछ उसको, हम जिंदगी भर दिन भर कुछ ना कुछ करते हैं, उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है, तो उसके लिए जब हम काम करना शुरू करते हैं तो उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। फिर वो 70 में काम नहीं चलता, 70 का 80 हो सकता है, 80 का 90, 90 का 100, 100 का 120, 130। कभी कभी आप जब बहुत भागते हैं, आप अपने दिल की धड़कन मापे, आजकल तो पल्स मीटर्स आ गए, आप पढ़िए तो मालूम पड़ेगा 130 में चल रहा है। क्यों? क्योंकि 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 रक्त की मांग बढ़ गई है, तो वो बढ़ जाती है ताकि वो काम करने वाले अंगों को ज्यादा रक्त पहुंचा सके। जो मैं कह रहा था, पैर भाग रहे हैं, भागते तो कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा काम करता है? आपके लिम्स, आपके पैर ठक 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 भाग रहे, उन पैरों को ज्यादा रक्त की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वो ज्यादा जोर से फास्ट चलना शुरू कर देता है। वैसे हम कभी मेहनत करते हैं तो तुमने महसूस किया होगा कि तुम्हें ज्यादा खाने की भूख लगती है। अगेन रिक्वायरमेंट, आप जब बहुत काम करते हैं, थक जाते हैं तो आपको खाने की भूख लगती है। ठीक वैसे ही ज्यादा कार्य करते समय शरीर के सेल्स, जिसको हम सेल्स कहते हैं, ऊतक कहते हैं हिंदी में, टिश्यूज कहते हैं, और मांसपेशियां, ये इनको ऊतक और पेशियों को, मांसपेशियों को ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ने लगती है। और समय की नजाकत को समझते हुए दिल अपने काम पर लग जाता है। उसको मालूम है कि इसको अभी जरूरत है, ये आदमी जो जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ ये अभी कुछ काम कर रहा है। ही विल नीड मोर सप्लाई ऑफ द प्रोटीन, मोर सप्लाई ऑफ द ऑक्सीजन, मोर सप्लाई ऑफ द फैट टू बर्न। सो वो क्या करता है, कम ऑन नाउ वी हैव टू वर्क। सो वो काम करना शुरू कर देता है और रफ्तार धड़कन की बढ़ा लेता है, जो उसकी नॉर्मल ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक, तो वो ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक ठक ठुक होने लगती है, और इस तरह से वो सप्लाई को मेंटेन करता है, जितनी जरूरत उसके हिसाब से वो धड़कता है। देखा कितना कितना मुरव्वती, कितना विचारवान है दिल हमारा। हम तो सिर्फ दिल दे देते किसी को, पर आप कभी सोचिए उस दिल के बारे में, कितना मुरव्वत है आपके बारे में, कितना वो आपके बारे में विचार रखता है कि अगर उसने सपोजिंग आपको चाहिए भागना और उसने अगर स्पीड नहीं बढ़ाई तो आपके पास नहीं पहुंचेगा, तो आप थक जाओगे, वहीं बैठ जाओगे। तो ये कितना मुरव्वती और कितना विचारवान है, आपका कितना ख्याल रखता है, ये तो आपका क्या फर्ज नहीं बनता कि आप भी इसकी कदर करें, इसे बिगड़ने ना दें। आप जानते हैं इस वक्त, इस समय, कोरोना तो भूल जाइए, आप मैं बताऊं इस समय, मतलब आज के 2021वीं सदी में सबसे बड़ा जो घातक रोग होता है, या यूं कहो कि प्रॉब्लम आता है और जिससे जिससे मरते हैं लोग, वो देखा गया मोस्टली हार्ट अटैक होता है। हार्ट की वजह से कई लोग
अपनी जिंदगी खो बैठते हैं। तो ये चीज जब हम कहते हैं कि इसका अगर हम कदर करें और इसको बिगड़ने न दें, इसको मेंटेन करके रखें, तो आपको कभी भी हार्ट अटैक नहीं आएगा। मैं आगे बताऊंगा कि हार्ट अटैक आता कैसे है।